हाय एवरीवन वेलकम टू डिस्टलजी के क्लासेस तो सी का पेपर जनवरी में है ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी को पेपर वन एंड पेपर टू का स्ट्रक्चर कंटेंट ऑफ सेलेबस आपको पूरा डिटेल में जानना चाहिए क्योंकि डेढ़ सौ नंबर का पेपर आपका इसी सलेबस से आया आए जाएगा आएगा इस सिलेबस के बाहर आपको नहीं जाना है और आप सब बोल रहे थे कि क्लासेस तो ठीक है कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एस की हर एक सब्जेक्ट की प्लीज़ चैनल पर बने रहें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको ऐसे अपडेट मिलता रहे सबसे पहले मैं वन टू फाइव का आपको बताती हूँ उसके बाद से जूनियर का ठीक है जैसा कि आपको पता है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड इसमें आपको क्या पढ़ना है देखो इसमें ये तीस नंबर का आएगा जिसमें से पंद्रह आपका कॉन्टेंट पंद्रह आपका वो रहेगा पैडागॉजी जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो जीन पे आज वाइगॉज इसके अलावा आपको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी सोशलाइजेशन प्रोसेस ये देखिए पी आरजे कोलबर्ग बाइगोस् कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस लैंग्वेज एंड थॉट एंड जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट जेंडर रोल्स जेंडर बाइस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस इंडिविजुअल डिफ्रेंसेज मतलब ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी जिसमें आपका लैंग्वेज कास्ट जेंडर कम्युनिटी ये सारी चीज़ें करनी है और बाकी आपका असेसमेंट कितने टाइप का होता है ये आपको पढ़ना है फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर एसेसिंग रीडिंगनेस लेवल ऑफ लर्नर्स फॉर इन्हेंसिंग जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्लासरूम ये सारी चीज़ें हैं ठीक है थीके? उसके बाद से आपका यहां से पूछा जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन से एंड चिल्ड्रेन को आपको आप कैसे समझेंगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बच्चों को कोई डिफिकल्टीज है लर्निंग डिफिकल्टीज़ है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे लर्निंग एंड पैडागॉजी से भी क्वेश्चन आएगा ठीक है लर्निंग एंड पैडागॉजी ये पूरा पैडागॉजी का है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं मोटिवेशन कैसा रहेगा ये सारी चीज़ें होंगी ठीक है अब यहां पर देखिए अब आपको पता है कि लैंग्वेज टू आप जानते हैं कि दूसरा पार्ट हमारा लैंग्वेज वन का है एक वन होगा एक टू होगा अब जो भी आपने लैंग्वेज रखा होगा उसमें दोनों सभी में पंद्रह नंबर का पैसेज आता है और पंद्रह नंबर का कंटेंट ठीक है ये देखिए पंद्रह नंबर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहशन रहता है उसके बाद से आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि मान लीजिए आप लर्निंग कैसी होगी टीचिंग हो गया रोल ऑफ लिसनिंग ये सब लैंग्वेज से रिलेटेड है ग्रामर को किस तरीके से बताओगे कोई चैलेंज रहेगा तो आप उसको किस और तरीके से पढ़ा सकते हो लैंग्वेज स्किल्स हो गया इवेल्युएशन uh, कैसे करोगे टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स रेमेडियल टीचिंग उपचार कैसे करेंगे ठीक है सेम वैसा ही लैंग्वेज टू में भी रहेगा आप खुद देखिए लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में कोई डिफरेंस नहीं है हिंदी इंग्लिश का फर्क है इसीलिए कभी कभी इंग्लिश का क्वेश्चन हिंदी में हिंदी का क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट होता है ठीक है सेम ऐसा ही लैंग्वेज टू के साथ भी है सेम ये उन्होंने पूरा वही सेम चीजें हैं देखिए पंद्रह नंबर आपका पैसेज है बाकी सारा लाइन ही सेम है एकदम लर्निंग एक्विजिशन लैंग्वेज टीचिंग रेमेडियल टीचिंग तो कोई इसलिए तो लैंग्वेज आसान भी रहता है ठीक है अब मैथमेटिक्स में पंद्रह नंबर आपका कॉन्टेंट से रहेगा वो देख लेते हैं यहां पर देखिए ज्योमेट्री है सेफ एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है सॉलिड अराउंडर्स नंबर एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मेजर वेट टाइम तो ये आपका मैथमेटिक्स का है ठीक है तो ये पूरा आपका मैथ का हो गया और बाकी आप यहां पर देख सकते हो वॉल्यूम डाटा हैंडलिंग पैटर्न मनी और पैटागोजिकल इश्यूज में यही है कि आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाओगे प्लेस क्या होगा करिकुलम क्या होगा कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स इवेलुएशन कैसे करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालाइज कैसे करोगे डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग किस तरीके से करेंगे ठीक है चलिए बाकी ये आपका ईवीएस uh, uh, है कंटेंट आप देख सकते हो फैमिली एंड फ्रेंड्स है सिक्स थीम्स जो है ना उसी पे पूरा ये बेस है जैसे कि देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स वर्क एंड प्ले प्लांट्स में आपका फूड सेल्टर वाटर ट्रैवल थिंग्स यू मेक एंड डू ठीक है तो सिक्स थीम्स बेस्ड है हमारा पूरा ईवीएस बाकी इसमें ईवीएस में एक चीज अच्छी है कि ये पूरा पैडोगजी में किस तरीके से आप ईवीएस को क्लास में पढ़ाओगे एक्टिविटीज क्या होगा प्रिंसिपल्स क्या होंगे कॉन्सेप्ट स्कोप क्या है डिस्कशन सीसीई टीचिंग मटेरियल प्रॉब्लम्स ठीक है अप्रोच क्या होगा आपको पढ़ाने का बाकी इसके लिए आपको वन टू फाइव की एनसीआरटी बुक्स को फॉलो करनी है ईवीएस के लिए ओके चलिए अब हम पेपर टू का देखते हैं देखो दोनों सेम होता है बस पेपर टू का लेवल थोड़ा सा ज्यादा आएगा ठीक है ना सिक्स टू एड में मान लो पंद्रह नंबर का ये क्वेश्चन अगर कंटेंट है तो सीडीपी वही पढ़नी है आपको बस उसको थोड़ा सा उसका लेवल ये हाई कर देंगे जैसे कि आपको हेरिडिटी एनवायरमेंट पढ़ना है आपको सोशलाइजेशन आपको इसमें भी पियाजे आ जाएगा उसकी कॉलबर पढ़ना है कैसे आप पढ़ाओगे मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या है लैंग्वेज एंड थॉट का मतलब क्या है असेसमेंट कितने तरीके का होता है इसमें कोई सीडीपी में डिफरेंस नहीं है ना तो इसमें है ना ही पैडागोजी में पांच नंबर का आपका यहाँ से इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछेगा दस नंबर आपकी पैडागोजी से पूछी जाएगी कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं आप बच्चों को किस तरीके से सिखाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कराओगे ठीक है असेसमेंट uh, कैसे होगा कॉग्निटिमेशन कैसे होंगे मोटिवेशन लर्निंग तो ये हो गया उसके बाद से हमारा सेम फिर से वही लैंग्वेज वन आपका कोई भी होगा तो उसमें पंद्रह नंबर का आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज रहेगा एंड अगर आपका जो दूसरा होगा लैंग्वेज उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा फिर इसमें भी पंद्रह नंबर का आपका पैडागॉजी पैडागॉजी इनका सब में सेम है ये देखिए लर्निंग एक्विजिशन लिसनिंग स्पीकिंग आई टी एज अ टूल लैंग्वेज स्किल्स इवेल्यूएशन टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स रेमेडियल टीचिंग ठीक है पैटागॉजी ऑफ लैंग्वेज कॉन्टेंट भी वही है सेम यहाँ पर देख यहाँ पर देखिए सब कुछ सेम है बस इसीलिए तो लैंग्वेज पे आपको फोकस करना है एक में करोगे दोनों अच्छे से हो जाएगा बस कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ईयर क्वेश्चन से और मैथमेटिक्स आप जानते ही हैं मैथमेटिक्स में मैथ और साइंस आता है साठ नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो जैसे कि यहां पर देखिए मैथमेटिक्स में यहाँ पर सामने देखिए कंटेंट आपका बीस नंबर का रहेगा मतलब जो लोग मैथ वाले हैं ना मैथ साइंस वाले तो नंबर का कंटेंट और होता है देखो, 40 का content, math, मिला के, 20 की तो यहां पर आप देख लीजिए नंबर सिस्टम आएगा आपका नंबर सिस्टम अल्जेब्रा ज्योमेट्री ये सारी नंबर सिस्टम अल्जेब्रा ज्योमेट्री उसके बाद आपको पैडागॉजी इशू वाली जो चीजें हैं कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है प्लेसमेंट क्या होगा लैंग्वेज क्या है कम्युनिटी मैथमेटिक्स इवेलुएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग ओके साइंस में भी वही आपका 20 नंबर का कंटेंट, 10 नंबर की पैटागॉजी कंटेंट देखिए फूड हो गया मटेरियल हो गया द वर्ड ऑफ द लिविंग मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज हाउ थिंग्स वर्क नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल फिनोमिना ओके और ये पैटागॉजिकल इश्यूज में आप देखिए नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस नेचुरल साइंस अंडरस्टैंडिंग अप्रोच ऑब्जर्वेशन इनोवेशन टेक्स्ट मटेरियल इवेलुएशन प्रॉब्लम रेमेडियल टीचिंग तो ये सारी चीज़ें साइंस की हैं अब हिस्ट्री का देख लेते हैं क्योंकि हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कब से क्लास होगी कल से क्लास सब स्टार्ट हो चुकी हैं 40 नंबर का आपका कंटेंट है और 20 नंबर की पैटागॉजी है हिस्ट्री में आप देख ले देखिए इसमें हिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना है ठीक है ना सिक्स टू एट तक की पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी है उसके बाद से आपको जोग्रफी भी पूरा पढ़ना है आप देख सकते हो प्लानिट ग्लोब एनवायरमेंट एयर वाटर यह पूरा आपका जोग्रफी है ओके okay? तो यह जोग्राफी में आपको इतना पढ़ना है देन आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़नी है यहां पर ठीक है डायवर्सिटी ये सारी चीजें हैं पैडागॉजिकल इशूज में आपको बीस नंबर का क्वेश्चन देखिए इसमें हिस्ट्री जोग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इतना आपको पढ़ना है पैडागॉजिकल इशूज देखिए बीस नंबर का आएगा नेचर ऑफ सोशल साइंस क्या है क्लासरूम प्रोसेस डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इंक्वायरी प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस सोर्स क्या है प्रोजेक्ट वर्क क्या है इवेल्युएशन क्या है बाकी इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी भी है फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास वन टू एट प्लीज़ रिफर टू एन सी आर टी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक यहाँ पर जब इन्होंने ही बता दिया है कि एन सी आर टी के ही टेक्स्ट बुक्स को आपको फॉलो करना है तो आपको मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है ये सारी चीज़ें कि सिलेबस क्या होगा किस तरीके से आपको पढ़ना है पूरा मैंने सिलेबस बता दिया है एक चीज़ याद रखो सीडीपी सब में सेम होगी पेपर वन पेपर टू में लैंग्वेज भी सेम होगी बस आपको मैथ साइंस जिसका है और जिसका एस एस टी है इस पर आपको अलग से फोकस करना है ठीक है बाकी सी डी पी लैंग्वेज के लिए दोनों अगर जिसने भरा है तो एक में ही तैयारी हो जाती है हाँ ये है ई वी एस मैथ साइंस एस एस टी आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके बाद अभी और बहुत सारी वीडियोज आएंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग